ओम शांति। साकार मूल्य से स्टोरी समीपता का समय। एक बार नैवेद्या अपने माता पिता के साथ नव निर्मित शिव के मंदिर में जाती है। वहां लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण दोनों की मूर्तियों के सामने उसके माँ बाप गीत गाने लगे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। नैवेद्या को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वही शिवालय के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप अर्थात शिव जो समझाते हैं उसे समझकर धारण करो और कराओ। नीचे लिखा था ब्रह्मा कुमारी। अगले दिन नैवेद्या सेंटर चली जाती है। नैवेद्या कहती है, दीदी निराकार शिव सभी का बाप कैसे है? दीदी कहती है, निराकार बाप माता के बिगर तो सृष्टि नहीं रच सकते, इसीलिए वे शरीर में प्रवेश कर अर्थात ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर उनके मुख से हम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। शिव का ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि वे हमें 21 पीढ़ी का वर्षा भी देते हैं। नैवेद्या कहती है, ये वर्षा हमें कैसे ले सकते हैं? दीदी कहती, उसके लिए निरंतर शिव को और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। नैवेद्या कहती है, किंतु कल मम्मी पापा लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को पूज रहे थे। दीदी कहती है, बच्चे लक्ष्मी नारायण के रूप में हम ही पूज्य थे, फिर धीरे धीरे 84 जन्मों के बाद अब हम ही पुजारी बने हैं। यही ड्रामा रिपीट होता है, जिसे स्वदर्शन चक्र कहते हैं। नैवेद्या कहती है, दीदी परमात्मा के समीप आने में मैं लेट हो गई। दीदी कहती, नहीं बच्चे, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इस पढ़ाई में अभी भी फर्स्ट डिवीजन लेने का चांस है। जब तुम हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का और स्नेह का अनुभव करोगी तो बाप के समीप आ जाओगी और विजय माला का रतन बन जाओगी। इस प्रकार नैवेद्या अपने संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान सुखदाता बन अन्य आत्माओं को दुखों से मुक्त करने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति।